वेलकम फ्रेंड्स, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। हमने अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर को देखा था, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को भी देखा था। तो आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस ली हुई है। एक मेरी पेरेंट्स क्लास है और उसके बाद दूसरी मेरी चाइल्ड क्लास है। जो मेरी पेरेंट क्लास है वो एज अ बेस क्लास है, जिससे मैंने चाइल्ड क्लास को डिराइव करा है। तो यहाँ पे आप जो पेरेंट्स क्लास में नाम लिया है पेरेंट्स, आप इसका नाम बेस क्लास भी रख सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। इसके अंदर क्या है, मैंने पब्लिक असेस स्पेसिफायर लगाकर एक कंस्ट्रक्टर लिया है पेरेंट्स, जो मेरी क्लास का नेम सेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे राइट लाइन मेथड की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवाया, आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या है, मैंने इसके अंदर एक मेथड भी लिया है बेस मेथड, उसके अंदर भी मैंने मैसेज प्रिंट करवाया आई एम इन बेस क्लास मेथड। और मैंने एक और मेथड लिया माय मेथड नाम का, और उसमें भी मैसेज प्रिंट करवाया आई एम इन इनहेरिट क्लास। अब इसके बाद क्या किया, मैंने पब्लिक असेस स्पेसिफायर लगाकर उसी तरह से क्लास कीवर्ड चाइल्ड, जो मेरी डिराइव क्लास है, उसके बाद मैंने कॉलन पेरेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मेरी चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास से ही इनहेरिट की गई है। उसके बाद मैंने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। और फिर मैंने इसके अंदर एक और मेथड लिया बेस मेथड, और उसके अंदर भी मैंने मैसेज प्रिंट करवाया आई एम इन बेस क्लास मेथड। उसके बाद मैंने क्या किया, मेन में जाके, मेन मेथड में जाके मैंने चाइल्ड, जो मेरी डिराइव क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी इज इक्वल टू न्यू इंस्टांस और देन चाइल्ड क्लास नेम और फिर मेरे पैरामीटर्स। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट बेस मेथड को कॉल किया और फिर मैंने रीडलाइन मेथड का यूज किया अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब क्या होगा कि मैं चाहती हूँ सबसे पहले जब मेरा कंट्रोल यहाँ जाए तो मेरा ये वाला मेथड आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो जाए, फिर जो डिराइव क्लास वाला वो कॉल हो जाए, देन ये। क्योंकि क्या होता है कि जो डिराइव क्लास है ये बेस क्लास को इनहेरिट कर लेती है। कहने का मतलब है कि जो डिराइव क्लास बनाई जाती है वो बेस क्लास से बनी जाती है और ये उसके मेथड्स को ओवरराइड कर लेती है। तो चलिए पहले इसे रन करके देख लेते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आ गई है, आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड आई एम इन बेस क्लास मेथड। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे गया तो सी डॉट बेस मेथड यानी ये वाली चीज आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा जो चाइल्ड क्लास का मेथड था आई एम इन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ये ही यहाँ पे कंट्रोल गया। देन लास्ट में हमारा ये थर्ड वाला प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना सीखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।